गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आई स्टार्ट करते हैं एक्सेस की क्लास। एक्सेस में कल हमने लॉगिन पेज बनाना सीखा हुआ था, आज हम लॉगिन पेज के आगे एक प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से पेज बनाना सीखेंगे और उसके आगे रिपोर्ट को अटैच करना। लॉगिन पेज जो हमने कल बनाया हुआ था उस पे सारे रूल कंडीशन हमने फॉलो नहीं की थी। यदि हम ब्लैंक देते थे तो ब्लैंक हमको किस प्रकार का डेटा देना चाहिए वो भी मैं आज आपको जी हमने रिपोर्ट बनाना कोड बनाना सीखा हुआ था स्टूडेंट। और इसमें कई फॉर्म बनाना भी हमने देखिए सीखा हुआ था। मैं आज इसी को और आगे बताते हुए आपको एक प्रॉपर तरीके से फॉर्म को क्रिएट करना। कल जो मैंने आपको एक्चुअल में बताया हुआ था ये एक लॉगिन फॉर्म क्रिएट करना मैंने बताया हुआ था। ये फॉर्म हमने बनाया था, ये फॉर्म हमने क्रिएट किया था एक यूजर लॉगिन, और इसमें मैंने नाम दिया था। यदि नाम गलत टाइप करता हूँ तो मुझको बताएगा लॉगिन एंड पासवर्ड इज इनवैलिड। अब मैं चाहता हूँ मुझे ये बताए कि यदि आईडी गलत है तो आईडी गलत बताए, पासवर्ड गलत है तो पासवर्ड भी गलत बताए। इसी में थोड़ा सा मैं चेंजेस करना चाहता हूँ, इसी को और अच्छे तरीके से आगे बनाना सीखेंगे। मैं उसी पे कोडिंग पे चेंजेस करा के आपको बता रहा हूँ। थोड़ा सा कोडिंग में चेंजेस देखिए, कल की कोडिंग आप समझिए, इसको न देखिए। आप यहाँ पे मैंने लॉगिन को चेक किया था, यहीं पे मैं एक चेक करा देता हूँ, इसको मैं एफ एल्स में कर देता हूँ, एल्सिस, क्योंकि इफ के बिना एल्सिस नहीं हो सकता है। थोड़ा सा चेंजेस और इज नल चेक करा देते हैं। इज नल मी डॉट लॉगिन, लॉगिन डन। यदि ऐसा है तो देखिए MSG बॉक्स में मैं ये प्रिंट करा, कोड आप लिख लीजिएगा, इन प्लीज इंटर लॉगिन पीवी इंफॉर्मेशन नीड लॉगिन नी डॉट लॉगिन मी डॉट, जैसे आप लगाएंगे या लिखेंगे जो नाम होंगे वो दिखने लगेंगे हमको। यहाँ लॉगिन सेट फोकस कर देंगे जिससे फोकस उस पर चला। स्टूडेंट्स ये हमने चेक कराया, इसी प्रकार से एल से दूसरे को चेक करा सकते हैं। मैं फिर से यहाँ एल उसी कोड में मैं चेंज कर देता हूँ, एल से इज नल, इज नल मी डॉट पासवर्ड। यदि पासवर्ड हमारा नल है तो देन क्या करना है हमको, पासवर्ड यदि नल है तो ये हमको प्रिंट हो जाएगा। अब आपको समझ में आएगा इंटर पासवर्ड नीड पासवर्ड और यहाँ पे नीड डॉट पासवर्ड। और इसके बाद यदि ऐसा नहीं है, यदि
ऐसा नहीं है तो बाकी का कोड हमारा सेम रहेगा, कोई भी चेंजेस नहीं होगा। एनएसटी बॉक्स में इनवाइटेड लॉगिन एंड पासवर्ड, यदि इसके अलावा कुछ मिलता है तो फिर इनवाइटेड लॉगिन या पासवर्ड दो में से कोई भी आप। यदि आप मैसेज भी देना चाहते हैं तो मैसेज भी दे सकते हैं, नहीं देना है तो ना। अब देखिए इस कोड को थोड़ा सा समझिएगा, मैं आपको कोड समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस कोड को हमने यहाँ से पहले मेन बटन के अंदर कोड लिखा, थोड़ा सा कोड में चेंजेस किया। इफ नल, यदि नल मिलता है लॉगिन तो मैसेज आए प्लीज एंटर द लॉगिन, और फिर भी इंफॉर्मेशन उसका सिंबल आएगा, आई नीड उसका टाइटल आएगा, और लॉगिन में सेट फोकस का मतलब है कर्सर चला जाएगा। यदि ऐसा नहीं है, यदि ऐसा नहीं होता, मैं थोड़ा सा आपको चेंज करके दिखा दूं जिससे आपको समझ में आता जाए। यदि ऐसा नहीं तो अगला एलपिक में जाएगा, किसको चेक करेगा पासवर्ड, यदि पासवर्ड नहीं इंटर किया प्लीज इंटर पासवर्ड, वी नीड पासवर्ड और सेट फोकस पासवर्ड। यदि उसने दोनों को इंटर किया है तो चेक करें लॉगिन में रॉम और पासवर्ड में वैल्यू 12345 जो आपको देना है, और यदि ऐसा है तो ओपन कर दें मेन फॉर्म और क्लोज जो फॉर्म है हमारा। या आप मैसेज चाहते हैं तो मैसेज भी यहाँ दे सकते हैं, यहाँ हम दे सकते हैं मैसेज भी MSG करेक्ट लॉग इन एंड पासवर्ड, करेक्ट आईडी एंड पासवर्ड, आईडी एंड पासवर्ड की मैसेज भी आपके सामने आ जाए। अब देखिए ये कोड आप लिख लीजिएगा, बाकी का पुराना कोड ही है, मैं थोड़ा सा कोड में चेंजेस किया, क्या चेंजेस हुआ आपको दिखाना चाह रहा हूँ। अब मान के चलिए मैं आईडी को यहाँ लिखता हूँ लेकिन पासवर्ड नहीं लिखता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ स्पेस है, ये प्रॉब्लम है, पासवर्ड यहाँ पे क्लिक किया प्लीज इंटर पासवर्ड। देखिए आईडी आपने दिया लेकिन पासवर्ड नहीं दिया तो प्लीज इंटर पासवर्ड मांगा, पासवर्ड मांगा हमने गलत दे दिया तो फिर क्या कहेगा इनकरेक्ट लॉगिन और पासवर्ड, यानी कि लॉगिन गलत है या तो पासवर्ड गलत है। और यदि मान लो मैंने ये नहीं दिया आईडी भी दिया सिर्फ पासवर्ड दिया प्लीज इंटर लॉगिन, अब आपसे क्या मांग रहा है लॉगिन मांग रहा है। और यदि मैंने दोनों सही दे दिया एक दो तब क्या करेक्ट आईडी एंड पासवर्ड, डू वांट टू ओपन फॉर्म, ये हम लिख देते हैं पे देखिए यहीं पे थोड़ा सा मैसेज और मैं चेंजेस कर देता हूँ, मैसेज में चेंजेस पासवर्ड डू want open main form। देखिए मैसेज आप अपने अकॉर्डिंग बना लीजिएगा जैसा आप देना चाहें, मैंने आपके नाम दिया, अब आईडी दिया 12345 और यहाँ पे क्लिक किया करेक्ट आईडी एंड पासवर्ड, डू वॉन्ट टू ओपन मेन फॉर्म, ओके जैसे ओके करेंगे हमारे सामने मेन फॉर्म दे दिया। अब देखिए आज थोड़ा मैं मेन फॉर्म बनाना चाहता हूँ, ये तो हमारा यूजर आईडी और लॉगिन पासवर्ड होगा ऐसे हमारा अपडेट में चलेगा, लेकिन अब मेन फॉर्म में हमको जब हम इसमें पासवर्ड देंगे नाम और इसके बाद हमको कौन सा फॉर्म बनाना है मैं आपको वो बता रहा हूँ, ये आ जाएगा ओके करने पे। अब मेन फॉर्म जो आप बनाइएगा इसमें थोड़ा सा यहाँ पे आप टाइप करिएगा
माई फर्स्ट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यहाँ आप अपने टाइटल जो भी कंपनी का हो वो आप दे सकते हैं मेन फॉर्म हटा करके। इनको टेक चित्रकूट सतना यहाँ पे मैं दे सकता हूँ बाई मिस्टर आरडी शुक्ला SICS। एक छोटा सा यहाँ पे आप मैसेज ये भी दे सकते हैं और जो भी मैसेज आप बनाना चाहें वो मैसेज आप अपने अकॉर्डिंग बना लीजिएगा, डिजाइन कर लीजिएगा। मैसेज आपको देना है, जितना मैसेज आप देना चाहें उतना मैसेज आप दें। ओके स्टूडेंट्स, और इसको आप करिएगा और इसको डिजाइन करना। आप देखिए मैं यहाँ पे एक और आपको अरेंजमेंट बताना चाहता हूँ। हमने सब फॉर्म का यूज किया था, वो सब फॉर्म मैं यहाँ यूज करना चाहता हूँ। इससे गया सब फॉर्म मेरा मेन है और मैंने सीधा इसका यूज किया। थोड़ा सा समझिएगा, आज मैं आपको एक बेसिक फॉर्म बताता हुआ, इससे मैं हेडर और फुटर हटा देता हूँ। इसको मैंने सेव किया, एड किया और इस फॉर्म को मैंने किया, इसको मैं डिजाइन में ओपन किया और इस फॉर्म को थोड़ा छोटा कर दिया। यहाँ पे मैं गया, देखिए कुछ आपको अलग सा फॉर्म आज मैं बताता हुआ और यहाँ पे आप ध्यान देंगे इसको जितना छोटा आप चाहें उतना छोटा आप इस फॉर्म को बना लीजिएगा। यस, ये जो मेरा क्रिएटेड वाई लिखा हुआ है इसको मैं और यहाँ लाता हुआ और इस फॉर्म को यहाँ पे ओपन। और इसकी जगह प्लीज एंटर आईडी एंड पासवर्ड, यहाँ पे हमने मैसेज पास किया और इसको बोल्ड किया, मैंने इसको कलरफुल किया। फुटर में जो आप देना चाहें वो दे सकते हैं, जो डिजाइनिंग देना चाहें वो दे सकते हैं। डेट और टाइम मैंने यहाँ इंक्लूड करा दिया। फुटर में अपना एड्रेस आप देना चाहते हैं तो एड्रेस दे सकते हैं।
इमेज लगाना चाहते हैं तो इमेज भी लगा सकते हैं, इनमें से कोई भी कंट्रोल हम वहाँ पे यूज कर सकते हैं। ऊपर हमारी इमेज लगी हुई है, यदि मैं फुटर में भी कोई इमेज चाहता हूँ तो उस इमेज को मैं यूज कर सकता। आज एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर को डिजाइन करके मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से आप सॉफ्टवेयर को डिजाइन करते हैं, किस तरीके से उसको यूज करते हैं। एक बैनर में चाहता हूँ फुटर में भी दे दूँ या मोबाइल नंबर आइकॉन या इमेज पीएनबी है, डिस्प्ले नहीं हो रही है या इमेज चेंज कर लेंगे यदि कोई दिक्कत है। और इसको भी मैंने कलर किया या। आज मैं सब फॉर्म का यूज भी बता रहा। अब देखिए एक फॉर्म के अंदर मैंने दूसरा फॉर्म यूज किया, ये मान लीजिए मेरा एक पूरा फॉर्म डिजाइन हुआ, मल्टीपल फॉर्म हमने यहाँ पे यूज किया। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ फॉर्म को कैसे आए। ये देखिए मेरा पूरा ये पहला फॉर्म कंप्लीट, थोड़ा सा इसमें और डिजाइनिंग की कमी है उसको भी पहले पूरा कर दूँ, डेट और टाइम ओवरलैप हो रहे हैं। दे देता हूँ टाइम इधर दे देता हूँ, आप अपने हिसाब से इनको अरेंजमेंट कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है सेटिंग बनाने में, सेट करने में डेटा को, लेकिन आपको कहीं ना कहीं डेटा जो आपको मिलेगा वो प्रॉपर मिलेगा। इस PNG इमेज को भी हम चेंज कर देते हैं। इमेज मैं यहाँ पे लेता हूँ, ये इमेज लगा और यदि आपके पास कोई लॉगिन से रिलेटेड इमेज है तो आप उसको भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए इस तरीके से मेरा फॉर्म बन जाएगा। पहला इधर आपकी डेट, इधर आपका टाइमिंग, इधर सब गुरु इनको टेक ऑफ चित्रकूट सपना मधुबन माई फर्स्ट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम प्लीज एंटर द आईडी एंड पासवर्ड, ये सदगुरु इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्टडीज। और यहाँ पे आप यूजर और पासवर्ड अपना देंगे जो भी आपने निर्धारित किया होगा। जैसे यूजर पासवर्ड देंगे ओके बटन पे क्लिक करेंगे, करेक्ट आईडी एंड पासवर्ड यू वांट टू मेन फॉर्म, फिर इसके बाद आपका क्या डिस्प्ले हो जाएगा मेन फॉर्म। मेन फॉर्म अभी हम बनाएंगे, आगे हमारा मेन फॉर्म होगा, इसमें थोड़ी सी और मैं चेंजेस की आवश्यकता समझता हूँ। यहाँ पे भी मैं कुछ लॉग इन से रिलेटेड इमेजेस आपको देना चाहता हूँ, जैसे लॉग इन इमेजेस आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं, इस टाइप की कोई भी इमेज आप लगा सकते हैं। मैं कुछ एक दो इमेजेस डाउनलोड कर लेता हूँ, सेव एज इमेज डाउनलोड डाउनलोड। मैं एक दो आपको ऑप्शन बता देता हूँ, इस तरह की कुछ इमेज आप डाउनलोड करिएगा और ये सभी इमेजेस आपके काम में।
और अच्छा अपना एडमिन ट्रैक टू पेज हम बना सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार। ये देखिए, ये इमेज मुझे बहुत अच्छी लगी, इस इमेज को मैं लगा दूंगा, इमेज मैं कर देता हूँ। बाकी इमेजेस हमारे इसमें पड़ी हैं, ऐसे हमको इमेज फाइंड आउट करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है और अपने पेज को एक इंटरेक्टिव पेज बनाने की आवश्यकता होती है। हम बैकग्राउंड में भी कोई इमेज दे सकते हैं, जितना अच्छा आप चाहें उतनी अच्छी डिजाइन दे सकते हैं। मैं इस पे इमेज देता हुआ, इस पे भी हमको इमेज यूज करना है। मैं इमेज यहीं रख देता हूँ और डाउनलोड में गया, लॉग इन इमेज। ये देखो, इनको थोड़ा सा या आप जितना अच्छा चाहेंगे उतना अच्छा डिजाइन कर सकते हैं। और लॉगिन, यूजर लॉगिन आईडी की जगह भी इसको मैं दे सकता हूँ, या मैं यहाँ पे भी इसको रिप्लेस कर सकता हूँ। यदि मुझे ये नहीं चाहिए, इस कंट्रोल को डिलीट करके ये जो कंट्रोल है, और इसको मैं रख देता हूँ। या देखिए, थोड़ा सा अच्छा लुक देने के लिए। या और मैं एक बात और, क्या एक हमको फॉर्म, मेन फॉर्म बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इसी को लॉगिन फॉर्म अब बना दिया है। ये हमारा मेन फॉर्म नहीं है, तो मेन फॉर्म को क्रिएट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक मैं भी नॉर्मल फॉर्म बना देता हूँ, फिर कल मैं मेन फॉर्म भी क्रिएट करना आपको अलग बताऊँ। अभी मान लेते हैं, एक मैसेज डिस्प्ले कर देता हूँ, मेन फॉर्म ओनली, ये मैसेज डिस्प्ले कर रहा हूँ अभी। और कल फिर हम सीखेंगे मेन फॉर्म की भी डिजाइनिंग सीखेंगे, एक-एक करके मैं सभी डिजाइनिंग आपको पास सिखाऊंगा, आप जिससे एक सॉफ्टवेयर के रूप में वर्क कर सकते हैं और उसको बना सकते हैं। इसको मैं फॉर्म को सेव कर देता हूँ। मेनू, मैंने इस बार नाम दिया इसका मेनू, और इसके कोड में जाके हमको चेंज करना होगा, क्योंकि मेन फॉर्म ओपन करने पे लिखा होगा। अब वहां पे हमको क्या कर देना है, मेनू ओपन, ये मेन फॉर्म की जगह हम क्या कर देंगे, मेनू मेनू। ओके, और तो कोई चेंजेस करना नहीं, क्लोज हमको कौन सा फॉर्म करना है, मेन फॉर्म, मेन इतना हमको चेंजेस करना होगा, क्योंकि मैंने फॉर्म में चेंजेस किया है। अब मैं इसको रन किया, देखिए एक लॉग इन, माई फर्स्ट लॉग इन पेज, और यहाँ पे मैंने लिखा राम और यहाँ पे दिया 1 2 3 4 5। जैसे ही मैंने लॉग इन किया, ये देखिए, तो 1 2 ओपन द मेन फॉर्म की जगह मेन फॉर्म कर देंगे, और इसको सेव करना है एज, सेव करिए, देखिए लॉग इन फॉर्म क्लोज मेन फॉर्म। ओके स्टूडेंट, तो आप इस तरीके से कितना अच्छा फॉर्म बना सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने आपको कोडिंग भी सिखाई, एक अच्छी सी डिजाइनिंग भी बताया, और उसके अंदर फॉर्म बनाना भी आपको मैंने बताया। ये इसके अंदर कोड हमारा है, इस कोड को मैं यहाँ मेन फॉर्म की जगह मेनू फॉर्म कर देता हूँ, मेनू। और अब हम मेनू बनाना सीखेंगे उस फॉर्म में, फिर मेनू से आगे बढ़ेंगे। आज हमने सीखा लॉग इन फॉर्म बनाया, और इस लॉग इन फॉर्म में हमने अपने अकॉर्डिंग देखिए लॉग इन डिजाइन किया, सब कुछ कंप्यूटर स्क्रीन में निकाल के नीचे दिया हुआ है, बीच में लॉग इन फॉर्म है, माई फर्स्ट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, प्लीज एंटर आईडी एंड पासवर्ड और लॉग इन। तो इस तरीके से आप जितना अच्छा डिजाइनिंग देंगे, ये टाइटल इमेजेस है, यहाँ भी मैं डिस्प्ले करा सकता था, इस तरीके से मुझको आवश्यकता होती है, और अलग से भी लॉगिन फॉर्म निकालना है तो अलग से भी आप निकाल सकते हैं। तो आज आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा, कल फिर हम आपको कुछ नया डिजाइन बताएंगे, और डिजाइन को चेंज करिएगा। कल आज जो मैंने कोड बनाया उस कोड को आप यूज करिएगा, और फॉर्म के अंदर लॉगिन फॉर्म को यूज करिएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद मैंने क्लोज किया आज की क्लास में, एक बार क्लोज किया।